टॉपिक को और अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ पर हमने एक और सारणी ली है जो पिछली सारणी से कुछ अलग आपको दिखाई दे रही है। पिछली सारणी में हमने सीधा सीधा समय और दूरी बता दी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ बदलाव है। यहाँ पर समय इस तरह से बताया गया है कि 8 बजे मान लो कोई बस या गाड़ी चलना शुरू हुई और उसके पथ मापी का पाठ्यांक यानी कि उसका जो पथ मापी है उस समय कितना किलोमीटर दूरी दिखा रहा है, 36,540 किलोमीटर। और उस स्थिति में जब वो है गाड़ी रुकी हुई है, अभी उसने कोई दूरी तय नहीं करी, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो पाठ्यांक है जब गाड़ी रुकी हुई है हम उसको नोट कर लेते हैं कि भी स्टार्टिंग पॉइंट पे किसी गाड़ी का पाठ्यांक कितनी दूरी दर्शा रहा है। अब दूसरा देखिए, 8:30 बजे, 8:30 बजे जो है गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, 36,560 किलोमीटर। पहले 540 थी, अब 560, यानी दूरी जो तय हुई है वो कितनी हो गई, 20 किलोमीटर। तो इस तरह के भी आपके पास प्रश्न आ सकते हैं। अब जैसे अगला है 9 बजे, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि समय का जो अंतराल है वो कितना है, 30 मिनट का। समय का अंतराल जो है वो 30 मिनट का है। और अगली दूरी हम देखते हैं, 9 बजे जो है पाठ्यांक हो गया 36,580 किलोमीटर। तो पहले बिंदु से, हमेशा पहले बिंदु से देखेंगे हम कितनी दूरी तय हो गई, 40 किलोमीटर। इसी तरह 9:30 बजे 36,600 किलोमीटर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से 60 किलोमीटर दूरी तय हो गई। और लास्ट जो हमारी एंट्री है वो है 10 बजे, पाठ्यांक हो गया 36,620 किलोमीटर, आरंभिक बिंदु से 80 किलोमीटर। यानी कुल जो गाड़ी ने यात्रा करी वो दूरी अब हम यहाँ से निकालेंगे, ये आरंभिक और ये अंतिम। तो दूरी जो हो गई वो कितनी है हमारी, 80 किलोमीटर। इसी तरह यहाँ से समय भी आप बता सकते हैं, वैसे तो देख के कि 8 बजे चले 10 बजे पहुँचे, तो समय जो है वो 2 घंटे। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफीय निरूपण करना है। इसको ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, अब यहाँ आप ये देख सकते हैं कि कुल दूरी जो है वो 80 किलोमीटर है। अब अगर 80 किलोमीटर को हमने ग्राफ पर दिखाना है तो आप कैसा स्केल लेंगे, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका स्केल कैसा हो। अब आप यहाँ पर 1 किलोमीटर = 1 सेंटीमीटर अगर लेते हैं तो आपको 80 खाने बनाने पड़ेंगे, तब आप 80 किलोमीटर पर पहुँचेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर स्केल कैसा लेंगे ग्राफ बनाने के लिए, 10 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। यानी 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी को दर्शाएगा। इसी प्रकार समय में भी हम, ये तो दूरी के लिए स्केल हो गया, और समय में हम क्या कर सकते हैं कि 30 मिनट को दर्शाने के लिए हम 1 सेंटीमीटर वाले जो खाना है हमारा ग्राफ पेपर का, उसका उपयोग करेंगे। अब उस सारणी के अनुसार यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए, ये 0 है यहाँ पर, और यहाँ से ये जो हमारा एक्स अक्ष है, इसे जो हम, ये नीचे वाली साइड है, इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। यहाँ पर हम किसका निरूपण कर रहे हैं, समय का। और ये जो है हमारा वाई अक्ष है, इस पर हम किसका निरूपण कर रहे हैं, दूरी का। ये दूरी जो है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, इस तरह किलोमीटर में है। और समय जो है हमारा एएम,
एएम वो समय होता है जो 12 बजे दिन के 12 बजे से पहले का समय होता है। और यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है कि 8 फिर 8:30 9 यानी इनके बीच में 30 मिनट का अंतर है। एक निशान से दूसरे निशान पर 30 मिनट का अंतर है। अब हमने देखा था जब हमने सारणी बनाई अपनी तो 8 बजे आरंभिक बिंदु यानी बस जो है 8 बजे चलना शुरू हुई, यहाँ पर उसने कोई दूरी तय नहीं करी, बस अभी रुकी हुई है। आधे घंटे बाद 8:30 बजे बस की दूरी हो गई थी 20 किलोमीटर यानी उसने 20 किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो अब आप इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर एक स्केल ले सकते हैं आप, स्केल की सहायता से आप इसको ऊपर तक ले जाएं, इस पॉइंट को इस तरह से लाइन लगाएं सीधी पेंसिल की मदद से और ऊपर ले जाएंगे हम अभी इसको। और इस अक्ष को इसके साथ मिलाएंगे, अब यहाँ पर ये जो मिला ये पॉइंट ये हमारा बिंदु आ गया पहला, यहाँ से मिलाया और यहाँ से मिलाया। इसी प्रकार आप सभी, अब जैसे ये 9 बजे का जो हमारा था 40 किलोमीटर दूरी तय हो गई आधे घंटे में, तो इसको ऊपर ले गए हम यहाँ तक, एक लंब खींचा हमने और इधर वाई अक्ष पर भी एक लंब खींचा और जिस बिंदु पर ये मिले उस बिंदु को हम ले लेंगे। इसी के बाद 9:30 बजे जो है वो दूरी कितनी हो गई 60 किलोमीटर, तो यहाँ पर हमने एक एक्स अक्ष पे लंब खींचा इसके साथ और वाई अक्ष पे लंब खींचते हुए इन्हें मिला दिया, जिस बिंदु पर ये मिले ये हमारा बिंदु हो गया। इसी तरह 10 बजे आधा घंटे का समय का डिफरेंस हो गया और दूरी हो गई हमारी 80 किलोमीटर। अब हमें ये 4 बिंदु मिल गए हैं। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि हर आधे घंटे के समय में जो दूरी का अंतर है वो 20-20 किलोमीटर है। तो ये भी किस तरह की चाल है, समान चाल, गाड़ी या बस जो है वो कैसी चल रही है, समान चाल से चल रही है। अब हम इनको सबको यहाँ पर मिलाते हैं, जैसे इस जीरो बिंदु से हम इसको इनको आपस में मिलाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसको इसके साथ मिलाया हमने और अब हमने इन सभी बिंदुओं को मिला दिया तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। ये एक रेखा ग्राफ है, आप देख सकते हैं रेखा ग्राफ का ही उदाहरण है ये। और जब हमें इस प्रकार की सीधी रेखा प्राप्त हो तो हम कहेंगे ये चाल कैसी है, समान चाल या नियत चाल। गाड़ी जो है वो नियत चाल से गति कर रही है। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि एक ग्राफ से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। यहाँ पर आपको ये तो स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है कि हर आधे घंटे में उसने कितनी कितनी दूरी तय करी, लेकिन अगर अब जैसे हम कोई बीच के समय में दूरी ज्ञात करना चाहते हैं जैसे 8:15 बजे, तो यहाँ पर ऊपर इसको बढ़ाएंगे हम लंबवत और देखते हैं कि ये इस बिंदु पर पहुंचा, और इधर से हम देखेंगे कि ये कहाँ पहुंच रहा है हमारे पास 10 किलोमीटर पर। तो हमें पता चल गया कि 8:15 बजे जो है बस ने कितनी दूरी तय करी 10 किलोमीटर। तो इस प्रकार केवल एक ग्राफ से हमें बहुत अधिक जानकारियाँ मिलती हैं। अब मैं आपको आगे बताऊँगी कि पेपर में आपको किस प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं। इसके लिए हम कुछ ग्राफ से संबंधित प्रश्न करके देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ग्राफ संबंधित प्रश्नों को हमें कैसे हल करना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है और प्रश्न यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ दो लाइन आपको दिखाई दे रही हैं। ये ए और बी जो है दो वाहन हैं हमारे, ए और बी क्या हैं हमारे, दो वाहन। हमने ये बताना है कि किस वाहन की गति तीव्र है,
किस वाहन की गति तीव्र है यानी तेज है। तो अब आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, यहाँ पर कोई समय नहीं बताया हुआ, कोई दूरी भी नहीं बताई हुई, लेकिन आप कोई भी एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं, जैसे हमने ये बिंदु ले लिया और हम यहाँ पर देखते हैं कि वाहन बी द्वारा दूरी जो तय हुई हुई है वो कितनी है और ए द्वारा जो तय हुई हुई है वो दूरी कितनी है। तरीका वही रहेगा, आप यहाँ पर एक क्या खींचेंगे, एक लंब एक्स अक्ष पे हमने खींचा और दूरी आ गई हमारी इधर वाई अक्ष पर। तो बी वाहन द्वारा जो दूरी तय हुई हुई है वो इतनी है, यहाँ तक बी वाहन ने दूरी तय करी इस समय पर। अब ए वाहन की देखते हैं हम कितनी दूरी उसने तय करी। ए वाहन के लिए भी हम इसी लंब को थोड़ा और ऊपर बढ़ाएंगे क्योंकि ए वाहन का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है यहाँ तक, और इधर से अगर हम खींचेंगे लंब वाई अक्ष पर तो हमें दूरी पता चल जाएगी कि ए वाहन ने कितनी दूरी तय करी यहाँ पर। तो आप एक ही समय पर जब ए वाहन द्वारा तय की गई दूरी अधिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी चाल क्या होगी, अधिक होगी, तभी तो उसने अधिक दूरी तय की। अगर वो सेम पॉइंट पे चल रहे हैं और उसने दूरी अधिक तय कर ली तो उसकी चाल भी क्या होगी, अधिक होगी, अर्थात तीव्र होगी, तेज होगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए वाहन जो है उसकी गति कैसी है, तीव्र गति है। तो इस प्रकार आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में ग्राफ शीट्स पर अलग अलग तरह के ग्राफ बनाकर देखें, जिससे आपको टॉपिक और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। थैंक यू।